मैं हूं ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री, आपके सामने उपस्थित हुई हूं रविवार के ऐसे सॉलिड उपाय लेकर जो आपने न कहीं देखे होंगे न सुने होंगे। कुछ लोगों ने हो सकता है सुन भी लिए हों, पर मुश्किल से ही मुझे ऐसा लगता है। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मित्रों, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आपका ये प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आने के लिए। मैं दैनिक जीवन से जुड़ी हुई ऐसी बातें लेकर आती हूँ ना जो आपको नहीं बताता होगा कोई, और आप चमत्कृत रह जाते हैं कि अरे हमें पता क्यों नहीं था। सब चीज़ें हमारे घर में ही मौजूद हैं, लेकिन हमें उनके प्रयोग ही नहीं मालूम। हमें मालूम ही नहीं है कि किस तरह से उनका प्रयोग करके हम पैसे वाले बन सकते हैं, हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, शादी हो सकती है, कुछ भी काम हो सकता है घर में जो शुभ और मांगलिकता की श्रेणी में आता है। तो मित्रों, यही उद्देश्य है मेरा कि आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे और आप अपने घर की चीज़ों को ही संयोजित करके, सुनियोजित करके और उनको इस तरह से आप सेट करें कि उनका लाभ आपको मिल सके और कई गुना मिल सके। तो मित्रों, आज जो मैं आपको बता रही हूँ ये सूर्य देव के ऐसे उपाय बता रही हूँ जो ना देखे और ना सुने होंगे, और ये उपाय करने से आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका सम्मान इतना फैलेगा कि कोई रोक नहीं सकता, कभी बदनामी नहीं होगी, लोग आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, लोग आपकी बात को काट नहीं सकते, हर जगह आपका दबदबा और प्रभाव रहेगा। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करना जरूरी है। आज मैं आपको एक भी तो इस वीडियो में बता ही रही हूँ और एक वीडियो में और बना रही हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल बटन भी ज़रूर दबा लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक अनमोल होता है, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास में, और मेरे दिल को छूती हैं आपकी बातें जब आप इतनी अच्छे से कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। तो लाइक ज़रूर किया कीजिए मित्रों, और कुंडली का परामर्श लेने में बिल्कुल भी देरी मत करो, इधर उधर भटको मत, सही जगह पर जुड़ो। मैं 23 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ और बहुत से लोगों को उपाय बता चुकी हूँ, और उपाय इतने ज़्यादा हल्के होते हैं, हल्के से मतलब बहुत प्रभावी होते हैं, लेकिन इतने ईजी होते हैं कि आप चुटकी बजा के उनको कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा फ़र्क डालता है व्रत, उपवास, दान, जाप, मंत्र जाप, और इसमें कुछ भी खर्चा नहीं होता, बस आपको समय ही देना पड़ता है। आप इधर उधर भटक के बड़े बड़े लाखों रुपये के अनुष्ठान करके क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हैं? अपने पैसे को बचा के रखिए, पैसा बहुत काम आता है, पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, गंवाने में तो एक मिनट लगता है। तो पैसे को जरूर बचाइए, सही जगह पर खर्च करिए, जिससे कि आप लाभान्वित हो सकें और वो पैसा आपके काम आ सके। तो मित्रों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और ये जो जानकारी थी ये मेरे ज्योतिषीय ज्ञान से संबंधित थी, और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं इस बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। इसके अलावा जो लोग कुंडली परामर्श लेना चाहते हैं, ये सेवा पूरे साल भर उपलब्ध है। आप रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग भी करवा सकते हैं, लामा फेरा भी करवा सकते हैं। लामा फेरा थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और इसीलिए हमने आपको कहा है कि ट्रायल पैक लीजिए, आपको सूट करता है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो इसको आगे करिए, क्योंकि हम तो जानते हैं ये 100% काम करेगा, लेकिन ये बात आपके मन में समानी जरूरी होती है, क्योंकि हमारे समझाने से आपको बात समझ में नहीं आएगी। जब आप खुद महसूस करोगे अपने जीवन में परिवर्तन, तो आप खुद जुड़ोगे इस चीज़ से। जिनकी कुंडली नहीं है ना, उनके लिए तो ये अमेजिंग वर्क करती है। इसके अलावा जिनके घर में बहुत से दोष हैं, ब्लैक मैजिक है, घर में ही भय लगता है, घर में ही अजीब सा लगता है, तो उनके लिए तो बहुत ही कारगर है ये चीज़। तो बिना देरी किए तुरंत ही संपर्क करिए, और इधर उधर पोर्टलियों में वक्त बर्बाद मत करिए। ये लोग सौदागर हैं, सामान बेचने वाले, ये ज्योतिषी नहीं है, और ज्योतिषी भी हैं तो कम से कम आपका भला सोचना चाहिए उनको। और एक चीज़ और बोल दूँ, कोई भी पूजा जो आप करते हो वही वर्क करती है। कोई आपके नाम से पूजा करके आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाता है, और आपके नाम से पूजा तब प्रभावी होती है जब कहीं ना कहीं आपका उसमें प्रैक्टिकली योगदान हो, क्योंकि रेकी विद्या बिल्कुल अलग है, और डिस्टेंस हीलिंग के ज़रिए इसमें किसी तरह से आपके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब ज्योतिषीय अनुष्ठान होते हैं उसमें संकल्प लेने के लिए तो व्यक्ति को जाना ही पड़ता है, और ये काम नहीं बनता है। तो बेवकूफ़ मत बनो, किसी की बातों में मत आओ, और पोटली वोटली कोई बुक मत कराओ, ये सब मूर्ख बनाने के धंधे हैं। मार्केट में जाओ, 40-40, 30-30 रुपये की पोटलियाँ मिलती हैं, उनको ये थोक के भाव खरीद लेते हैं, फिर ये जाते हैं ऐसी दुकानों पे जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है। पूजा पाठ की ऐसी दुकानें हैं जहाँ ढेर लगा हुआ है इन चीज़ों का। जो पोटली वो आपको भेजते हैं ना, वो हजारों की संख्या में कचरे की तरह, ढेर की तरह पड़ी रहती है, और 20-20, 30-30, 40-50 पैसे की चीज़, जो कि ये बोलते हैं गोमती चक्र, मित्रों 5 रुपये का आता है, और ये 5-10 रुपये का आता है, और ये जो चीज़ है ना, क्या कहते हैं, कागज़ जो आता है ना जिस पर कि लिखते हैं,
कई बार नाम स्लिप हो जाता है ना, भोजपत्र बिल पत्र चल रहा था मेरे दिमाग में, तो भोजपत्र भी 10 रुपये से इसके स्टार्टिंग रेंज है। और दुकान वाले भी देखते हैं कि ग्राहक कार में आया किस में आया। कई लोग तो अच्छे दुकानदार होते हैं, वो कोई भी जाए फिक्स रेट रखते हैं, लेकिन कई लोगों की रेट कम नीचे होती रहती है, मतलब कम बढ़ोतरी और निम्न होती रहती है। तो कुल मिला के ये जो भोजपत्र है कोई ऐसी दिव्य वस्तु नहीं है। लोग इस पे भी मैंने वीडियो देखे, पता नहीं आपको क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसे भोजपत्र कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ हो गई जो इस धरती पर मिलना ही मुश्किल है। आप किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर आराम से मिल जाती है, 10 रुपये से स्टार्टिंग कॉस्ट है इसकी, और कई लोग 100-100 रुपये की भी बेचते हैं। तो ये अलग अलग है, लेकिन कुल मिला के बहुत ही सस्ती सुलभ है। कुबेर कुंजी के नाम से लोग रखते हैं पोटली के अंदर चीज़, तो कुबेर कुंजी भी 40-50 रुपये की आती है। और मेरे पास भी ऑफ़र आते हैं जब लोग मुझे कहते हैं कि मैम इसकी बहुत डिमांड है, आप 100-200 पीस रख लो, बेचो इनको, आपको हम इतने में देंगे 40 रुपये किलो, और फिर आप पोटली बना बना के बेचना। तो मित्रों मैं ऐसा नहीं करती हूँ बिल्कुल, ना मैं बेचती हूँ, ना ही मेरे पास ये कोई सामान है। तो मैंने इसकी हकीकत बताई है कि बिजनेस कितना पनप रहा है। जो फेंगशुई का बिजनेस है ना, लाफिंग बुद्धा और ये ऐसी चीजें वैसे कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई चीज़ प्लास्टिक की है, मिट्टी की है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है। लेकिन जब वही चीज़ हर घर में डर के लोग खरीदते हैं कि भाई इसको रखने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसी आड़ में चीज़ें बहुत बिकती हैं और अच्छा खासा बाजार चलता है इन चीज़ों का। तो आप लोग कब समझोगे, कब बेवकूफ़ बनने से बचोगे? इसके अलावा यंत्र वगैरह मैं मानती हूँ सिद्ध करके देने पड़ते हैं। मैं बहुत विद्वान ज्योतिषियों का सम्मान करती हूँ और अपमान नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ सिद्ध करने में टाइम लगता है, और हम भी सिद्ध करते हैं तो हमें पता है कि इसमें टाइम लगता है, और इसके इसी चीज़ के पैसे होते हैं मित्रों। यंत्र तो बहुत सस्ता मिल जाता है, लेकिन यंत्र को चार्ज करने के और यंत्र को सिद्ध करने के लिए कोई भी ज्योतिषी आपसे 1100 से लेके 5000 11000 तक भी ले सकता है, ये उसकी विद्वता पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो पोटली वोटली है ना, इनके चक्रों में मत पड़ो, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। आप खुद ढूंढो, मैं कहती हूँ आप खुद दुकानों पे जाओ और देखो जाकर कि वहाँ माल सामान कितने का मिल रहा है और आपको कितने का बेचा जा रहा है। तो इस चीज़ की हकीकत मित्रों मुझे भी पहले पता नहीं थी, क्योंकि कुछ सामान मैं भी मंगाती थी और मुझे बहुत महंगा मिलता था वो सामान, क्योंकि जब लोकल मैं कुंडली देखती थी और फेस टू फेस मैं रीड करती थी फेस रीडिंग वगैरह, अब तो बिल्कुल ऑनलाइन ही हो गया है, बिल्कुल बंद हो गया है। लेकिन तब मुझे पता है कि जो जैम स्टोन्स वाले हैं इनकी हमें कोई होलसेल वगैरह पता नहीं था, तो मिलने जुलने वालों से ही लेते थे, तो वो लोग जो अपने खास परिचित हैं ना वो तक चूना लगाते थे मित्रों, वो तक बहुत महंगी चीज़ें बेचते थे। जो एक दो तो ऐसी हैं जो हमारी क्लाइंट्स हैं और उनके रिश्तेदार करते थे जैम स्टोन्स का बिजनेस, और उन्होंने क्या हमें महंगे महंगे रत्न दिए हैं कि क्या बताएं आपको। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि किसी पर भी इस चीज़ में भरोसा मत करो और अपना पैसा मत लुटाओ। थोड़ा लंबा हो गया मित्रों वीडियो, लेकिन आपको गाइडेंस देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप इतने प्यार और स्नेह से वीडियो देखते हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको सही और अच्छी जानकारी दूँ जो आपके पैसे बर्बादी से रोक सके। चलिए अब मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी बात को, और जिस चीज़ को आप देखना चाहते हैं सूर्य भगवान से संबंधित, वो एक अचूक उपाय आपको बता रही हूँ, वो करके देखना। मित्रों जैसा कि आप जानते हो हम अपने भगवान को भीतर महसूस करते हैं, हमें भगवान कई लोगों को दिखाई भी देते हैं, सपने में भी दर्शाव देते हैं, लेकिन मित्रों सूर्यदेव और चंद्रदेव ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो सूर्यदेव को हम जल चढ़ाकर ठंडा करते हैं, शीतलता प्राप्त करते हैं, उनका उग्र रूप है, उनको सौम्यता प्रदान करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव तेजस्विता तो हैं लेकिन उनकी जो झुलसन है उनकी पत्नी खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, तो हर किसी इंसान की क्या बिसात कि वो उनके समीप जाने का साहस करे। लेकिन हाँ, सूर्यदेव का एक ऐसा अनुष्ठान बता रही हूँ जो आपने कर लिया उसमें जल नहीं चढ़ाना है, और उसके लिए आपको क्या करना है आप सोचेंगे कि हमें पहले क्यों नहीं पता था। ये पूजा आपको 3 बार करनी है दिन में, और 2 तरह से बताऊंगी पूजा, ये 3 बार करनी है आपको पूजा, और चाहें तो इसको सुबह सुबह भी कर सकते हैं या सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं। सूर्यदेव की पूजा में अक्सर ये कहा जाता है कि जल्दी जल्दी सूर्य को जल दो, हम भी ऐसा ही कहते हैं और वो सही है बात, पर बहुत रिसर्च के बाद, बहुत गुणीजनों से तांत्रिक लोगों से बातचीत करने के बाद कई चीज़ें और निकल के सामने आती है, और मैं हर दिन नई चीज़ आपके लिए लाने की चेष्टा करती हूँ। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बहुत बम्पर पावर चाहिए जिसके ज़रिए आपका नाम यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगा, आपके पास इतना पैसा आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, आपका व्यक्तित्व एक अजीब ही तरीके का निखर के लोगों के सामने आएगा कि लोग देखते रह जाएंगे, अरे ये वो है, पहले क्या था अब क्या हो गया, इतनी अमेजिंग शाइनिंग, इतना अमेजिंग चमक आपके व्यवहार में आपके चेहरे पर आने लगेगी, आपका व्यक्तित्व निखर कर लोगों के सामने एक मिसाल बनाएगा। तो ये काम आप करिए, आपको क्या करना है, सुबह सुबह जब सूर्यदेव को जल चढ़ाएं उस समय आपको जल के साथ साथ थाली में एक दीपक भी जलाना है, और रोली और लाल पुष्प से भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी है। फिर उनके समक्ष आपको उनको देखते हुए, नंगी आंखों से आप देखते हैं तो सीधा आई कॉन्टैक्ट उनके सामने नहीं
नहीं रखना है जहाँ जल की धारा है या जहाँ उनकी रोशनी आसपास फैल रही है, वहीं आपको देखना है, क्योंकि सीधी आँखों से नहीं देखा जाता है। और आपको एक अगर रोशनी सुबह सुबह आप कर रहे हो तो फिर भी ये संभव है, बाकी जितना देर से करोगे तो ये संभव नहीं है। तो खुली आँखों से देखने के बजाय आप तरीके से देखें, इधर उधर उनकी जो किरणें हैं उनको महसूस करिए। और इसमें ऐसा भी कहा गया है कि कुछ समय के बाद सूर्यदेव रथ सहित आपको दर्शन देते हैं। जी हाँ मित्रों, ये साधना की गहराई है, साधना की उच्च पराकाष्ठा है, जब सब कुछ संभव हो जाता है। कई लोग इसको पागल समझते हैं, कई लोग बेवकूफ समझते हैं, कई लोग यकीन नहीं करते, तो उनकी परवाह मत करना। आपको किसी को सबूत नहीं देना है, आपको जो भक्ति करनी है और उसका परिणाम आप खुद महसूस करेंगे। कोई दुनिया वाले कोई सबूत लेना तो लेने वाले कुछ होते हैं ना, उनकी औकात है कि कुछ वो देने वाले बने। आप अपने पे भरोसा करना सीखिए। दुनिया का काम है सवाल देना और सवाल करना, और हर सवाल का जवाब देना हर किसी को जरूरी नहीं होता। जिस दिन ये समझने लग जाओगे ना, उस दिन किसी की हैसियत नहीं होगी कि आपसे उल्टे सीधे सवाल करे। तो आप अपने आप में भरोसा करिए और आगे बढ़ने की ये कोशिश करिए। सुबह सुबह सूर्यदेव को दीपक दिखाइए और साथ ही साथ लाल चंदन अर्पित करिए। इसके अलावा आपको लाल पुष्प अर्पित करना है, और चाहे तो थोड़ा सा गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं, और रोली भी अर्पित करनी है, चावल भी लाल करके अर्पित कर सकते हैं। यही काम आपको मध्याह्न में करना है दोपहर को, और यही काम सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले लगभग करना है आपको। ये तीन बार करो आप। इसमें तीनों बार आपको दीपक जलाना है और तीनों बार ही आप जल भी अर्पित कर सकते हो। इसके अलावा कई बार आप ऐसा भी कर सकते हो कि तीनों टाइम आप जल अर्पित करो और कभी कभी आप दीपक दिखा दो। तो ये काम आप जरूर करना। ऐसा करने से आपका व्यक्तित्व एक उच्च पराकाष्ठा पर छुएगा, आप इतना पैसा कमा पाओगे। क्योंकि जब व्यक्तित्व संतुलित होता है, जब किसी प्रकार की कुंठा इंसान के मन में नहीं रहती, तो वो जो चाहे कर सकता है। आपके अंदर वही पावर है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान के अंदर है, लेकिन आपने अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना है। और सूर्यदेव की जो पूजा है आपकी सुप्त शक्तियों को जागृत करके आपको जीवन का सही मार्ग दिखाती है। और इसके साथ साथ आप सूर्यदेव को देखते हुए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय रोग है, उनके लिए तो किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। ये तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है, और जरूर करें। आप व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत का विधान मैं अन्य वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो को आप कैसा लगा आपको जरूर मुझे बताइएगा, और यह काम आप जरूर करिएगा।